बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल विलेज फूड एंड डेली लाइफ। मज़ेदार और आसान रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बना रहे हैं ढाई मज़ेदार स्पाइसी और क्रिस्पी पूड़े, जिसके लिए हमने लिया है एक कप गर्म पानी, हाफ कप सूजी। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके 10 मिनट के लिए रेस्ट देते हैं ताकि सूजी जो है वो अच्छे तरीके से राइज हो जाए। देखिए माशाल्लाह से सूजी जो है वो अच्छे तरीके से राइस हो चुकी है। अब हम इसमें बकाया चीज़ें जो है शामिल करते हैं। नमक 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून के करीब खुश्क मेथी हमने लिया है। इसको अच्छे तरीके से मसल के तो फिर हम शामिल करते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लिया। अभी एक कप आम घर में जो इस्तेमाल करते हैं गंदम का आटा, ही हम इसमें थोड़ा थोड़ा शामिल करते जाते हैं और इसको अच्छे तरीके से गूंथते जाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से इसको रेस्ट दिए हुए तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। अब हम थोड़ा सा मिक्सचर लेते हैं और वो पूड़े जो है वो की क्या सर पूड़े ही कहा था आपने, इसको हमने सिर्फ पूड़ी के साइज का बेलना है। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा बड़ा साइज भी होना चाहिए, बस ये साइज़ का। ऑयल मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था, अब हम इसको उठाते हैं और ऑयल में डालते हैं। पूरी की तरह इसको फूलना चाहिए फिर ये क्रिस्पी जो होगा। अब हमने इसको क्रिस्पी होने तक और लाइट गोल्डन होने तक हमने इसको फ्राई कर लेना। ये ले माशाल्लाह से ज़बरदस्त सूजी के क्रिस्पी पूड़े जो है वो तैयार है। इसको केचप के साथ लगा के खाएं तो आप और आपके बच्चे इसको एंजॉय करेंगे। उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी जो है वो अच्छी लगी होगी। दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।